नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, आज से मैंने एक स्टार्ट किया है कि इनिशिएटिव जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसको इंग्लिश में भी करने का, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। प्रश्न इंग्लिश में है, उसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे डिमांड आ रहे थे तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल के देखते हैं। तो ये आपका हो गया बीपीएससी का मॉडल सेट 1 है, ठीक है। तो सीधा हम लोग अपने पहले प्रश्नों के साथ स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न है, द विक्रमशिला महावीरा अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि जो विक्रमशिला महावीरा एक जो है ग्रेट सेंटर था एजुकेशन का, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। डायरेक्ट आंसर इज धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज, यानी किसी भी भारतीय स्टेट का पहला जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? सुचेता कृपलानी। आंसर क्या है? सुचेता कृपलानी। अगला, इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, यानी इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस को कब टेस्ट किया था, या पहला परमाणु जो टेस्ट किया गया था ना, परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 1974 में, तो 18 मई 1974 को। अगला प्रश्न है, मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, यानी जो आपका फ्यूज जो बना होता है, सेफ्टी फ्यूज वायर जो बना होता है, ज्यादातर किसका बना होता है। तो इसका आंसर क्या है? एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड, यानी टीन और लीड के जो मिक्सअप से बनता है, ठीक है, एलॉय जो होता है उससे। तो आंसर है आपका डी। अगला है, अ रॉक इज ब्राउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून टू अर्थ देन, यानी कि कोई एक पत्थर जो है आपका जो चंद्रमा के सरफेस से सतह से लाया जाता है पृथ्वी पर, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, उसका जो वजन है वो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, चूज करना है। पहला जो है आपका स्टेटमेंट, डेक्कन प्लेटू स्लोप्स टुअर्ड द वेस्ट, ये इनकरेक्ट है, और जो है आपका डेक्कन का प्लेटू वो वेस्ट की तरफ जो है ढलाव नहीं है उसका, ठीक है। तो किसके तरफ है आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक। अगला है कि हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल सही है कि जो वेस्टर्न घाट का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो आपका नॉर्थ से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, बिल्कुल जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट से क्या है, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से हायर है, ऊंचा है। उसके बाद चौथा है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ लावा फ्लोज, बिल्कुल जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का वो किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या, ए जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मदर टेरेसा, मदर टेरेसा से संबंधित यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया, कौन सा सही नहीं आपको बताना है। पहला है, सी वॉज बॉर्न इन अल्बानिया, ये गलत है, वो अल्बानिया में नहीं बॉर्न हुई थी, उनके माता पिता अल्बानिया के थे लेकिन वो अल्बानिया में बॉर्न नहीं हुई थी। तो कहाँ हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ के बताइए, जैसे होता है वैसे बताइए लेकिन बताइएगा जरूर। और अगला स्टेटमेंट है, सी बिकम अ नन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो जो 18 सालों में ही वो नन बन चुकी थी, बिल्कुल सही है। सी वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ हर डेथ, बिल्कुल वो अपने देहांत के समय वो इंडियन सिटीजन नहीं थी। सी वॉज वॉन्स अ टीचर इन कलकत्ता, बिल्कुल जो कलकत्ता में एक समय और टीचर भी रही थी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक्विनोक्स इज अ स्टेट इन विच द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, इट फॉल्स ऑन, जो इक्विनोक्स जो होता है, इक्विनोक्स उसमें क्या होता है, एक ऐसी परिस्थिति है जब रात और दिन बराबर होते हैं, तो ये कब होता है। पहला ऑप्शन 31 मार्च एंड 30 सेप्टेम्बर, उसके बाद दूसरा 24 दिसंबर एंड 30 जून, तीसरा 21 मार्च एंड 23 सितंबर, एंड चौथा 1 अप्रैल एंड 1 जनवरी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, आंसर है आपका ये होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि विच प्लानेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन, यानी कौन सा प्लानेट जो है सूर्य को चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। तो आंसर क्या है दोस्तों, इसका डायरेक्ट प्लूटो, वैसे प्लूटो को तो बाहर ही कर दिया गया है ना। अगला है, हु इज नॉट इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में कौन जो है भाग नहीं ले सकता है, कैग ले सकता है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये बिल्कुल ले सकता है,
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी ले सकता है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी ले सकता है, लेकिन द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं ले सकता है। आंसर है डी। अगला, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से संविधान संशोधन से आपका जो है सामाजिक, उसके बाद धर्म निरपेक्ष और एकता का शब्द जोड़ा गया था, एकता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का, एकता एवं जो है बंधुत्व का, इंटीग्रिटी का वर्ड जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में। कल ही मैंने अपना स्पेशल क्लास लिया अनकैनवी पुरुष पे, मैंने डिटेल में कवर किया था प्रियम्बल को, ठीक है। तो आप लोग मुझे अनकैनवी पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे बहुत सारे कोर्सेज है जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है ना। और वैसे मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कि फरक्का बैरेज हैज बिन कंस्ट्रक्टेड। जो फरक्का बैरेज है कहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टेड हो रहा है या किस लिए कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, तो टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर हुगली। जो रिवर हुगली जो है उसमें पानी का जो बहाव है उसको तेज करने के लिए फरक्का बैरेज, ठीक है। आंसर क्या है आप, नहीं हाँ इसका आंसर ए है, बिल्कुल इसका आंसर जो है ए है, ध्यान रखिएगा। अगला है, द रियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड फॉर द, यानी जो रियल इंट्रोडक्शन था डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का, मतलब कि विकेंद्रीकृत योजना का, भारत में कब से स्टार्ट हुआ, कौन से 5 ईयर प्लान से। तो आंसर क्या है, 8 5 ईयर प्लान से। आंसर क्या है, 8 5 ईयर प्लान से। अगला, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, जो तीसरे युद्ध हुई थी पानीपत का वो किसके बीच हुआ था, नादिर शाह और मुगल के बीच, किसके बीच, नादिर शाह और मुगल के बीच। उसके बाद द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर वॉज, कौन से मुगल शासक था जिसने हिंदू हिंदू जो ऑफिसर थे ज्यादातर का जो हिंदू ऑफिसर को नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सिंपल सा आंसर है औरंगजेब, कौन, औरंगजेब। उसके बाद विच वाज सॉरी विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पे चार गैस दिया है, इसमें से कौन से गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को जो है आपका इरोजन करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में। आंसर क्या है दोस्तों, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, लेकिन क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग माइन्स, आयरन जो है कौन से माइन से निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट आंसर आपका है क्या, हेमेटाइट से, किससे, हेमेटाइट से। उसके बाद द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, जो केमिकल नेम है विटामिन सी का वो क्या है दोस्तों, सिंपल सा बताइए क्या है, जो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, साइट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड आपको पता नहीं किसमें होता है, जो इमली में होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों केमिकल नाम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, यानी कि जो कार्डिनल फीचर्स है पॉलिटिकल सिस्टम का इंडिया में कौन कौन सा है, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये आपको क्या लगता है, सही है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल इंडिया में जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सही है। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है कि जो सुप्रीम पावर है किसमें है, भारत के लोगों में समाहित है, ठीक है। तो हम भारत के लोग, बस आपने शुरुआत होता है ना, तो आंसर याद रखिएगा। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, बिल्कुल ये जो है आपका यूनिफाइड अथॉरिटी को बताता है। आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द फोर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड जो सका एरा है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, सका एरा तो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, कनिष्क के द्वारा, याद रखना है। अगला, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, जो बुद्धा जो है कौन से कॉइन्स डिपिक्टेड जो हुआ था, तो किसके कॉइन्स पे, ये आपका कनिष्क, किसके कॉइन पर, कनिष्क के कॉइन पर। अगला प्रश्न दोस्तों, द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज, जो हिमालय का फुट हिल क्षेत्र है, रीजन जो है वो कौन सा है। डायरेक्ट आंसर क्या है, शिवालिक। हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सिंपल सा है, अब्दुल गफ्फर खान को। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, लॉर्ड कर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कर्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है या नहीं आपको बताना है, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस से संबंधित है कि नहीं है आपको बताना है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित है कि नहीं है आपको बताना है, सोचना है, फिर मैं आंसर बताता हूँ। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 ऑफ 1829, ये बिल्कुल इससे संबंधित है। देखिए पहला दूसरा चौथा संबंधित है, तीसरा जो है संबंधित नहीं है, तो ये याद रखिए गलत है। तो लॉर्ड वालिस परमानेंट सेटलमेंट लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस जिसे सहायक संधि भी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये याद लाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक रेगुलेशन लाया था 17th of 1829। ठीक है, तो बाकी ये किससे संबंधित है आप मुझे कमेंट करके बताएगा, लॉर्ड हेस्टिंग या सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से कौन संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि द फर्स्ट सेंसेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था ब्रिटिश के पीरियड में वो किसके टेन्योर में हुआ था, किसके काल में हुआ था। आंसर क्या है, लॉर्ड मायो के काल में। उसके बाद लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विथ, जो लॉर्ड मैकाले है किसके साथ संबंधित है, आंसर है इंग्लिश एजुकेशन के साथ। एंड मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यानी लिस्ट वन को लिस्ट टू से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका उत्तर चुनना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले झांसी, झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसको लीड करने वाली, ठीक, तो झांसी में हो गया आपका क्या, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है, कानपुर, कानपुर में कौन थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बताइए। कानपुर में हो गया आपके अजमुल्ला खान। और फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमद शाह। आंसर हो गया ए 4321। ठीक है, अगला प्रश्न है हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशियस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, यानी कि किसने कहा जो कांग्रेस अपने समाप्ति की ओर है और मेरा यह ग्रेटेस्ट यानी कि इच्छा है कि जब तक मैं इंडिया में हूं तब तक वो अपने समाधि में जो है शांतिपूर्वक तरीके से समा जाए, कांग्रेस के लिए किसने कहा था ये चीजें। तो डायरेक्ट आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन ने। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट तीन दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था आप लोग को पता ही होगा, मुंबई में। उसके बाद सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ दादा भाई नेहरू जी, बिल्कुल जो सेकेंड सेशन हुआ था उसके प्रेजिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। और तीसरा, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, यानी कि 1916 में दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सेशन किया और उसमें कंक्लूडेड आया था, एक लखनऊ पैक्ट आया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी 2 और 3। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसके चेयरमैन कौन थे और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था मैंने बता दिया, चेयरमैन कौन थे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट करवाने में किसने अहम भूमिका निभाई थी। डायरेक्ट आंसर है तेज बहादुर शप्रू। उसके बाद हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन था उसका चेयरमैन कौन था, सर पी लॉरेंस। उसके बाद मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, लिस्ट वन को लिस्ट टू से सेलेक्ट करना है, मिलाना है, उसके बाद आपको उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब क्या होते हैं आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं फिर आंसर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद बजट डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। सो आंसर होना चाहिए इसका 3124। ठीक है, उसके बाद गिल्ट एज मार्केट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, गिल्ट एज मार्केट का अर्थात होता है कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या है जो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसी को हम गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ इज टू, जो मेन फंक्शन है आईएमएफ का वो क्या है कि हेल्प टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, जो सदस्य है आईएमएफ के उसके उस कंट्री में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का भुगतान संतुलन का प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करना है, जैसे इंडिया को भी किया था 1990-1991 याद कीजिएगा। ठीक है, एंड द अर्लियर नेम ऑफ डब्ल्यू टी ओ वाज, जो डब्ल्यू टी ओ का पहले का नाम क्या था, गेट। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द, यानी इंडिया में जो आपका इकोनॉमिक सर्विस पब्लिश होता है वो ऑफिशियली किसके द्वारा हर एक साल पब्लिश होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। उसके बाद हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे चार पेयर दिया है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। तो पहला है आपका बाबर, बैटल ऑफ खानवा। हाँ बिल्कुल, पानी पिया, खाना किया, चल दिया, तो इसमें आपको फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बाबर जो है ये आपका बैटल ऑफ खानवा में, हुमायूं बैटल ऑफ चौसा बिल्कुल सही है, अकबर बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिल्कुल सही है, जहांगीर बैटल ऑफ बाग ये नहीं, ये गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर वैसे डी। अगला, हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सिल्वर क्वाइन कॉल्ड टका, टंका या टका जो कहिए, किसने जो है सिल्वर जो सिक्के निकालते हैं जिसको टका कहा जाता था। तो डायरेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश, किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो एसर्शन कथन कहता है कि मोहम्मद गजनी इन्वेडेड, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम इंपायर इन इंडिया, ये गलत है स्टेटमेंट, वो तो लूटना चाहता था इंडिया को, तो ये कैसे सही हो जाएगा, आंसर है आपका सी, ए सही है आर गलत है। उसके बाद वेयर इज तानसेन टॉम लोकेटेड, तानसेन का टॉम जो है गुंबज कहाँ पे लोकेटेड है, तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, ग्वालियर में। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, सिंपल सा है, पता है ये क्या होगा कि मैक्सिमम एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी जो उसका मैक्सिमम जो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। इन अ ड्राई सेल, यानी कि जो ड्राई सेल बैटरी होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइटस, यानी किसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटस के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। अगला है, मैच बुद्धिस्ट कंटेम्प्रेरी किंग्स विद देयर किंगडम एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी जो बुद्धिस्ट जो कंटेम्प्रेरी में या बुद्धिस्ट के समय में जो किंग थे उसको आपको किंगडम, उनके क्विंगडम, उनके राज्यों के साथ, उनके क्षेत्रों के साथ मिलाना है, ठीक है। लिस्ट वन में किंग दिया है, लिस्ट टू में उसका किंगडम दिया हुआ, उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा, जो प्राद्योत जो थे वो अवंती से, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं तो होना चाहिए आपका यहाँ पर जो उदयन जो थे किससे, बताइए, उदयन, उदयन जो आपका वत्स से, उसके बाद जो प्रसन्नजीत थे वो आपका कोसल से, और अजातशत्रु मगध से, आंसर क्या होगा, C3241, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स है, 243। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो कौन सा है आपका, गंगा डेल्टा। एंड वेन एंड वेयर वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड, कहाँ पर और कब जो है गदर पार्टी बना था, तो कहाँ पे बना था दोस्तों, अमेरिका में 1913 ईस्वी में। उसके बाद द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, यानी जो बुक है आपका माई कंट्री माई लाइफ, उसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो है लाल कृष्ण अडवाणी। उसके बाद द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन अ कनेक्शन विथ, यानी इंडिया पर जो इंडिया का पार्लियामेंट है, संसद के इतिहास में पहला जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, सिंपल सा है दोस्तों, मैंने बहुत बार अपने कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ है अकेडमी के ऊपर, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्या है, डोडी एवोल्यूशन, और एक आपका बैंक नेशनलाइजेशन बिल को लेकर भी हो रखा है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। अगला है दोस्तों, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद कौन से डायनेस्टी, कौन से वंश ने मगध के ऊपर शासन किया था, तो इसका आंसर क्या है आपका, मौर्य ने किया था। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज, मौर्यन एज में या मौर्य के काल में कौन सा फेमस एजुकेशनल सेंटर था, तो दोस्तों क्या है दोस्तों इसका आंसर है तक्षशिला। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज गिवेन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको जो है ये पावर दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ठीक है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा आंसर, इसका आंसर है आपका द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वहां से रिट निकलते हैं, तो आप लोग को पता है ना कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ठीक अपने आप में एक क्या है, मौलिक अधिकार, अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए मौलिक अधिकार दिया हुआ, चार प्रकार के रिट दिए हैं, पांच प्रकार, चार प्रकार के, तो आप उसके मदद से जो है कोर्ट में जा सकते हो। अगला है दोस्तों, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर डिक्रीजेस देन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवेन
ओके गिवेन मास ऑफ गैस विल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर में जो है प्रेशर डिक्रीज होता है, तो किसी भी मास का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या है कि वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, मैच लिस्ट विथ द लिस्ट टू, यानी लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको मैच करना है, और कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। लिस्ट वन में फेयर दिया हुआ है, लिस्ट टू में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, गोविंद साहब, जो गोविंद साहेब जो है फेयर कहाँ होता है, गोविंद साहब का ये जो होता है आपका, मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या दोस्तों, कि इसका होना चाहिए आपका गोविंद साहब का आजमगढ़, ठीक है, कैलाश मेला, कैलाश मेला आगरा, ठीक है, जो है सैयद सलार, जो सैयद सलार है बहराइच, उसके बाद जो है आपका शाकुंभरी देवी, तो कहाँ पे होता है ये, सहारनपुर में, ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैड सपोर्टेड द नन कॉरपोरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स अपसोट, किसने जो है आपका नन कॉरपोरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया बट जो वो अपसोट में नहीं दिखा था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है आपको बताना है। DST है, CSIR है, DAE है, लेकिन ICSSR नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो जिनेको टेक्नोलॉजी जो है क्या है, ए टेक्नोलॉजी फॉर प्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीनेटिक डिजीज, आंसर क्या है सी, ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति था उसको किसने लेड किया था इंडिया, हमारे बिहार में, आंसर क्या थे, कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, हमने पहले भी किया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मुंबई में हुआ था। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग डील्स विद द मार्केटिंग ऑफ मिल्क, जो मार्केटिंग होता है दूधों का उससे संबंधित इसमें से कौन से है, CACP, GCMF, MMF, नाफेड और ट्राइफेड, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है GCC, ठीक है, जो गुजरात कॉरपोरेटिव, तो उसी का है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा जो होम रूल मूवमेंट से संबंधित नहीं है आपको बताना है। सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजे तिलक, ये तीन तो है, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजे तिलक, लेकिन सी आर दास होम रूल मूवमेंट से संबंधित नहीं है। अगला है, हु एमंग्स द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्ट ऑन कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन जो है रेगुलर ब्रॉडकास्ट कर रहा था कांग्रेस रेडियो, या कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट कर रहा था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, राम मनोहर लोहिया, आपको क्या लगता है बताइए, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर एडवोकेटेड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से कौन से न्यूज पेपर है जो कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था, वो ऐसे बातें या उसको कहा जा रहा था, ठीक है, तो सांध, युगांतर और काल, तो इसमें से कौन से हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या है, 1 2 3, यानी कि सांध भी, युगांतर भी और काल भी, आंसर है डी, 1 2 3। पनामा कैनल्स किसको कनेक्ट करता है, पनामा कैनल्स किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को। उसके बाद द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 10 kg एंड इट्स वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, यानी जो किसी बॉडी का सरफेस पे जो है आपका, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ का जो वजन है 10 kg, उसका वेट क्या होगा सेंटर फॉर द अर्थ, यानी सेंटर जो है अर्थ का वहाँ पे उसका जो वेट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 kg, ठीक है। उसके बाद मैच लिस्ट विद द लिस्ट टू, यानी लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको मिलाना है, ये हमने ऐसे क्वेश्चन पहले ही कर लिया, फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बेसिक ऑफ डिसाइडिंग स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस, यानी भी किसी भी जो जगह का जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, इंटरनेशनल डेडलाइन, प्राइम मेरिडियन, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंटरनेशनल डेडलाइन के आधार पर किया जाता है। पर्ल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज, इसमें से कौन से दाल की जो आपका क्रॉप है जो कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, ठीक है, ग्राम, उसके बाद मटर, राजमा, मूंग, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका राजमा।
उसके बाद हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद अगला है कि विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी को कौन से जो आपका इंसिडेंट था वो विड्रॉ कर दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए जो है गांधी जी को विवश कर दिया था, कौन सा है, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था। एंड द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, यानी कॉटन के उत्पादन के लिए जो कौन सा क्षेत्र आदर्श है, तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या है द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर जो विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज इफेक्टिव इन अ ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन इफेक्टिव होता है, विटामिन के। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू द जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, जो बोधि वृक्ष है बोध गया में वो अपने जनरेशन में कौन से जनरेशन में आता है दोस्तों, तो डायरेक्ट आंसर क्या है बताइए, इसका आंसर है आपका सिक्स, किस में, सिक्स में। उसके बाद सिंपल सा था याद रखिएगा, अगला है विच डायनेसिटी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो को कौन से टेम्पल जो सॉरी कौन से वंशज या आप कह सकते हो कौन से डायनेसिटी ने बनाया था, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर इसका आंसर है चंदेलाज ने, किसने, चंदेला ने। एंड ड्यूरिंग विच पीरियड द वैदिक लिटरेचर वॉज कम्पोज, कौन से समय में जो वैदिक लिटरेचर है वो कम्पोज किया गया था या बनाया गया था, तो डायरेक्ट आंसर क्या है 1500 BC से 1000 BC में। उसके बाद मैच लिस्ट एंड द लिस्ट टू करना है, लिस्ट एक में बुक दिया हुआ सॉरी लिस्ट एक में बुक दिया हुआ, लिस्ट टू में उसके ऑथर दिए हुए हैं और उसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके डायरेक्ट आंसर में अगर हम आए तो सबसे पहले जो व्हाइट टाइगर है वो अरविंद अडिगा जी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द थ्री स्टेक्स सॉरी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत जी ने लिखा है। उसके बाद द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा ने लिखा है और सिक्स सस्पेक्ट्स विकास स्वरूप ने लिखा है, आंसर है आपका सी 3412। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन से जो स्टेट है वो मोस्ट अर्बनाइज है, महाराष्ट्र मिजोरम गोवा तमिलनाडु, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गोवा। ठीक है, उसके बाद वेयर डिड महात्मा गांधी महापरिनिर्वाण महात्मा सॉरी महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस, जो महात्मा बुद्ध थे उनके महापरिनिर्वाण जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो डायरेक्ट आंसर है दोस्तों इसका क्या, कुशीनगर में। उसके बाद एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, कौन से जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, तो आप लोग को ये चीजें याद रखना है, आंसर क्या है सारनाथ में। उसके बाद विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध का पहला जो कैपिटल था राजधानी कौन सा था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है ग्रीव जो है ग्रीवराज मतलब कि राजगृह। उसके बाद हाउ मैनी टाइम्स डिड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार, अभी तक जो है हमारे राष्ट्रपति ने या हमारे देश में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो थ्राइस 3 बार लगा है। उसके बाद हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, तो आंसर क्या है सुभाष चंद्र बोस ने। और विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, इसमें से कौन से फैक्टर जो है कौन से कारण है वो आपका इंडियन सोशल इंडिया सोसाइटी में है जो रैपिड सोशल चेंज के लिए उत्तरदायी है, तो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर बताइए, बिल्कुल मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल प्लानिंग भी बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकता, मटेरियल प्रोस्पैरिटी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा ए 1 एंड 2। अगला है दोस्तों द थर्मोमीटर सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज जो थर्मोमीटर है वो सुटेबल करता है 2000 मेजर करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस को, क्यों ऐसा क्यों है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के कारण। अगला है दोस्तों मैच लिस्ट वन द लिस्ट टू, जो 19वीं सेंचुरी में कुछ आपके पिजन के रिवोल्ट हुए थे उसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसका अगर हम लोग कूट देख ले या कोड देख ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो कोड में अगर हम देख लेते हैं तो आपका क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले जो कुकी रिवोल्ट है वो कहाँ पे हुआ था, जो आपका त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो कुका रिवोल्ट हुआ था वो आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बिरसा मुंडा उस टाइम तो बिहार ही था, ठीक है, तो इसलिए ये बिहार हो जाएगा, और पावना रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, तो आंसर क्या होगा 4 1 2 3, आंसर है इसका डी, आंसर क्या है डी। ठीक है, उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर कंजुकेटिव 6 ईयर, कौन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगातार 6 सालों तक जो प्रेसिडेंट रहे थे, तो डायरेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है अब्दुल कलाम आजाद।
एंड टूंगो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो टूंगो वायरस है चावल का वो किसके द्वारा जो है उसमें ट्रांसमिट होता है, तो आंसर क्या है, ग्रीन लीफ होपर के द्वारा। एंड जो है पेरी, ये मैथ का क्वेश्चन मैं नहीं देखूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। तो 88 का आंसर क्या है, 616, ठीक है। 89 का आंसर क्या है दोस्तों, इसका है आपका 621, ठीक। उसके बाद 90 का क्या होगा, 90 का है 480। उसके बाद 91 का है 37.5%। उसके बाद 92 का है दोस्तों आपका 60 किलोमीटर। एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजल, ओके सॉरी डिविजिबल बाय द 7 इज, तो इसका आंसर क्या है 93 का, इसका आंसर है आपका 1111001। उसके बाद 94 का आंसर क्या है दोस्तों, ये है आपका डिक्रीज बाय 1%। 95 का आंसर, तो 95 का आंसर है सी 1/2। उसके बाद 96 का आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका 40 इयर्स। उसके बाद 97 का आंसर है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आंसर है आपका 16। उसके बाद नेशनल एनिमल्स मैमल्स ऑफ द इंडिया इज, जो नेशनल एनिमल्स जो है हमारे मैमल्स ऑफ द इंडिया का, नेशनल एनिमल हमारे इंडिया का कौन सा है, आप लोग को पता ही होगा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। उसके बाद विच वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पेंगुइन व्हेल ऑटर टॉर्टाइज, इसमें से कौन जो है आपका कोल जो ठीक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टॉर्टाइज, आंसर क्या है टॉर्टाइज, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज, यानी बाहर जो है पानी के बाहर मछलियां मर जाती है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है आपका कि दे कैन नॉट इनहेल, वो सांस नहीं ले पाती है। द मेंबर्स ऑफ बी कलोनी रिकॉग्नाइज वन अदर हाउ, जो आपके मधुमक्खियों का एक परिवार होता है, क्लोनी होता है, उसमें वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो कैसे पहचानते हैं दोस्तों, बी डांस के द्वारा पहचानते हैं। एंड द लेग बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर, यानी कि जो लेग बोन्स है हमारे मानव शरीर में वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या है 30। उसके बाद व्हाट डज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विथ, जो 86th जो संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है फ्री यानी कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। एंड डबल जियोपार्डाई का मतलब क्या होता है, डबल जो जियोपार्डाई होता है उसका मतलब होता है कि पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही जो है कृत्य के लिए उसे दो बार आप ट्रायल देते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशू ऑफ मैंडामस, मैंडामस का क्या उद्देश्य होता है, जो रिट होता है मैंने बताया ना 4-5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, डायरेक्टिंग ऑफिसर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, कि मैं परमादेश दे रहा हूँ जो एक न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे के न्यायालय को काम करने के लिए आप कहता है, कहते हैं ना कि अपने ड्यूटी को करो, तो इसी को कहा जाता है मैंडामस। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो कौन से मैटर के ऊपर, ये तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका कि ओनली इफ सिक द सच एडवाइस, अगर हमारे राष्ट्रपति चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो वो एडवाइस ले सकते हैं। एंड विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट, इसमें से कौन सा होता है जो इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट के लिए भाग लेता है लेकिन उसको इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेता, तो कौन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लार्जेस्ट कमिटी कौन सा है दोस्तों, द कमिटी ऑन एस्टिमेट, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया यू कैन से कम फ्रॉम, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड जो है, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि, उससे अगर पैसा निकालना है इंडिया में तो किसके द्वारा वो निकल सकता है, बहुत सिंपल सा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच अमंग द फॉलोइंग, इंडिया में पहली बार नगर परिषद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेटअप हुआ था, आंसर है मद्रास, ठीक है। उसके बाद हु हेडेड द एंट्रिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर 1946, 1946 में जो अंतरिम जो सरकार या कैबिनेट बना था उसको हेड किसने किया था, आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने, इसीलिए उन्हें एक प्रधानमंत्री बनाने का भी ये एक रीजन है, तो पहले प्रधानमंत्री बनाने का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो चौथी अनुसूची है संविधान में उसको सही रूप से कौन वर्णित करता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, कि ये हमारे राज्यों के जो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा करता है। एंड उड़ीसा जो है बिहार से कब सेपरेट हुआ था, उड़ीसा जो है बिहार से दोस्तों कब सेपरेट हुआ था, 1936 ईस्वी में।
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट चंपारण इज, जो वो पश्चिमी जो चंपारण उसके डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बेतिया में। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नवरत्न कंपनी, इसमें से कौन से जो है नवरत्न कंपनी नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आंसर क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नवरत्न कंपनी नहीं है, कौन सा कंपनी है कमेंट करके बताएगा। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ बिहार इन इंडिया टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया में बिहार का रैंकिंग क्या है, ये चीजें आपको बताना है। 13, आंसर क्या है, 13, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तो आंसर याद रखिएगा 13, ठीक है। एंड द हाईएस्ट प्लेस ऑफ बिहार इज, बिहार का सबसे जो ऊंचा प्लेस है, ऊंचा जगह है, वो कौन सा है दोस्तों, सिंपल सा है, आंसर क्या है, बराबर हिल्स, ठीक है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैच द करेक्ट पेयर्स, यानी कि इसमें जो आपका पेयर दिया है सिटीज और उसके इंडस्ट्री दिए हुए हैं बिहार के, वो कौन से संबंधित है, कहाँ किसको मैच बैठेगा, तो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री है, बिल्कुल। किशनगंज में टी है, बिल्कुल। पूर्णिया में जूट है। गया में टूरिज्म है। आंसर है ए, 1, 2, 3, 4। अगला है, विच फ्लावर हैज द मैक्सिमम मैक्सिमम एक्रीज इन बिहार, बिहार में जो कौन सी ज्यादातर जो आपके जो फूलों का पौधा पाया जाता है या फूल पाया जाते हैं, आंसर क्या है, मैरीगोल्ड, ठीक है। उसके बाद मैच द करेक्ट पेयर्स ऑफ अ क्रॉप्स एंड देयर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में जो कुछ क्रॉप्स के जो नाम दिए हुए हैं उसके जो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आपको मैच करना है। तो राइस जो सबसे ज्यादा, चावल रोहतास में, और जो गेहूं अरबिया में, ठीक है, मैजे जो है मधेपुरा में, उसके बाद पल्सेज भोजपुर में, आंसर क्या है ए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो बहुत सिंपल सा है ना, कौन थे, जयराम दो जो है आपका दास दौलत राम। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बिहार के गवर्नमेंट का, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो ये चीजें है कि कलेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली, यानी सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एंड व्हाट डज मधुबनी पेंटिंग ऑफ डिपिक्ट, जो मधुबनी पेंटिंग है उसको कौन सी चीजें अलग बनाती है, क्या खास है उसके अंदर, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नेचर एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स, ठीक है, यानी उसके प्राकृतिक और प्राकृतिक कलरों का उपयोग किया जाता है। तो मुझे पता है, मैं जो है मधुबनी से ऊपर से मिथिला रीजन से, तो मुझे ये चीजें पता है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला है, हु लेड द संथाल अपराइजिंग, जो संथाल का जो आपका विद्रोह हुआ था तो उसको किसने लेड किया था, तो इसका आंसर है सिंधु एंड कान्हू। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, आपको बताना है। बिहार हैज लेसर रोड लेंथ पर लाख पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडियन एवरेज, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद इट हैज, सॉरी एक मिनट मैं आपको बता दूं कि जो बिहार हैज लेसर रोड लेंथ पर लाख, हाँ पर लाख पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडियन एवरेज, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर इट हैज हायर रोड लेंथ पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडियन एवरेज, बिल्कुल सही है, आंसर है सी, दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है, द नेशनल हाईवे इन बिहार विच कनेक्ट्स मुजफ्फरपुर पूर्णिया इज नेशनल हाईवे 57, क्या है, नेशनल हाईवे 57। एंड विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वृंदा, यहाँ पे आपका वृंदावा आश्रम, जो वृंदावा आश्रम है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। इट इज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, जो आपका वृंदावा आश्रम है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो स्टैब्लिश हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में ऑल इंडिया जो गांधी सेवा संघ जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ था। डी ऑल ऑफ द अबव, आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। अगला है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, 918। एंड विच अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है सबसे कम, मुंगेर, मधुबनी, सिवान, कैमूर, आंसर दोस्तों क्या है, मुंगेर में, ठीक है। उसके बाद एज पर द सेंसर 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है, आप लोगों को पता ही होगा, आंसर है 61.8%। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है आपका क्रूज मिसाइल उसका रेंज क्या है, तो उसका रेंज क्या है दोस्तों, 290 किलोमीटर। एंड विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इन 2016, 2016 में जो मीटिंग हुआ था काउंटर टेररिज्म को लेकर, तो कौन से कंट्री ने होस्ट किया था, तो इसका आंसर क्या है, इंडोनेशिया।
एंड व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र, जो किसान विकास पत्र है उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो इसका आंसर क्या है 110 महीना। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारतीय संविधान में जो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44। अगला है यहाँ पर आपका कि विच अमंग द फ्लोइंग वॉज द कंट्रीज फ्लैग बेयरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन ब्राजील इन अगस्त 2016। तो 2016 में जो ओलंपिक गेम की शुरुआत हुआ था तो उसमें फ्लैग बेयरर कौन थे, ये पुराना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, अर्णब बिंद्रा। उसके बाद व्हाट वाज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स फॉर रियो 2016। तो 2016 के जो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स के लिए क्या था स्लोगन, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बहुत सिंपल सा कि अ न्यू वर्ल्ड। क्या न्यू वर्ल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि व्हाट वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया ऑर्गेनाइज इन अप्रैल मई 2016 नेम्ड, यानी कि जो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि इंडिया और मंगोलिया के बीच कौन सा जो है एक्सरसाइज होता है, तो आंसर है आपका नोमाडिक एलिफेंट। और उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लॉन्च वीजा अ कार्डलेस मोबाइल बेस्ड पेमेंट और सोल्यूशन इन मई 2016, तो इसका आंसर क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद विच कंट्री ऑन द एशियन 2016 कबड्डी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज इन मई 2016, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं 2016 के क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे है कि द इंडियन जो है आपका द इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम कंप्राइज कॉन्स्टेलेशन ऑफ नाउ मैनी सेटेलाइट, कितने हाउ मैनी सेटेलाइट, कितने सेटेलाइट है IRNSS के अंदर। सिंपल सा ये इस बार UPSC में भी प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन था, आंसर है 7 सेटेलाइट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक चेयर टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्म, सिंपल सा है दोस्तों इसका आंसर क्या है, बताइए कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है क्या कि प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, नासा स्पेस क्राफ्ट जूनो वॉज इन द न्यूज इन जुलाई 2016 फॉर एंटरिंग ऑर्बिट ऑफ द विच प्लैनेट, जो जूनो किसके लिए था आप लोग को पता ही होगा कि जो जूनो था दोस्तों वो आपका जुपिटर के लिए। ठीक है, यूनेस्को इंस्क्रिप्ट नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2016 एंड इट वॉज फाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, जो नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा हुआ था आप लोग को पता होगा कि कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैन्युफैक्चर वर्ल्ड फर्स्ट एंटी डेंगू वैक्सीन कॉल्ड डेंग वैक्सिया, आंसर है सनोजी। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम पेनालिटी फॉर ऑफेंसेज अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, मैक्सिमम पेनाल्टी को कितना हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है आपका 50,000। उसके बाद अ बिल टू अपग्रेड द राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन टू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी वॉज पास इन मई 2016 एंड इट वाज इन इट इज इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में जो है आपका राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता ही होगा बिहार में है, कहाँ पे है बिहार में कमेंट करके बताइएगा। अगला है दोस्तों हु अमंग द फ्लोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो NPCIL है उसका न्यू CMD किसे नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सतीश कुमार शर्मा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका 149 का, इसको देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वेल नॉन हिंदी नॉवलिस्ट मुद्रा राक्षस, ठीक है मैं बता देता हूँ मुद्रा राक्षस 49 का, हाँ डाइड एट द एज ऑफ 82। नहीं दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्वेश्चन ठीक है रुकिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे ये 2016 का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को कि वेल नोन हिंदी नॉवलिस्ट मुद्रा राक्षस, यानी हिंदी नॉवलिस्ट जो मुद्रा राक्षस है वो आपके डाइड हो गए तो 82 के एज में जून 2016 में, तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था। ठीक है, तो उनका ओरिजिनल नाम था दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्रा, आंसर क्या है सुभाष चंद्रा। ठीक है, उसके बाद 350 प्रकाश पर्व जो था आपका बिहार में मनाया गया 2017 में। ठीक है, तो कौन से गुरु के लिए मनाया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, किसके लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। ठीक है, आंसर की भी यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा ये PDF डाउनलोड करने में मेरे से ऐसे हो गया, बाकी मैं सही करके डालूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से, या मेरा नंबर आप लिख सकते हो तो आप लोग जुड़ जाओगे, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ आप लोग को कि 9015, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, 90 एक मिनट दोस्तों 9015 2 6
जीरो, ठीक है, फिर 892, ठीक, तो आप लोग कमेंट भी करिएगा, मैं बता दूंगा, 9015260892, मैं आपका जो टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है आप लोग वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, बाकी मैं लिंक आप लोग को दे दूंगा। धन्यवाद, और प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करिएगा, ठीक है, जो भी मन हो, नेगेटिव कमेंट करना है नेगेटिव कमेंट भी आप कर सकते हो, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ, हिंदी इंग्लिश सभी में चलने वाला, अभी अब कंटिन्यू मैं कोशिश करूंगा कि डालते रहूं, ठीक है, धन्यवाद।